फिर से आप सबका वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही छोटा सा मुख्तसर सा टॉपिक है, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद अ रियल नंबर, कि हम किसी वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हमारे पास 10 न्यूटन फोर्स का एक वेक्टर है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस 10 न्यूटन फोर्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। 2 एक रियल नंबर है, तो मैं 2 से इस 10 न्यूटन फोर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन फोर्स हो जाएगी 20 न्यूटन। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन का क्या होगा, तो इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, इसकी डायरेक्शन वही रहेगी जो पहले थी। चेंज क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, जो 10 था वो 20 न्यूटन हो गया। तो रियल नंबर से जब भी आप किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, या तो डिक्रीज हो सकता है या इंक्रीज हो सकता है, बट रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी मिसाल ऐसे समझ लो कि एक्स डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे थे 10 बंदे, लेट सपोज। अब जो है वो 20 बंदे अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स कितनी होगी, तो आप बोलोगे 10 के डबल हो जाएगी, दुगनी होगी। तो आप सिंपली 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका हो जाएगा 20 न्यूटन। तो वो आपने डबल किया, उसको 3 टाइम्स भी कर सकते हो, 4 टाइम्स भी कर सकते हो, तो ये कहलाता है आपने मल्टीप्लाई करके उस फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर दिया, और फोर्स अभी भी एक्स डायरेक्शन में ही लग रही है। पहले 10 बंदे लगा रहे थे, अब 20 बंदे लगा रहे हैं, सही है। तो ये कहलाती है आपकी सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई करना, किसी वेक्टर को, किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना, सही है। अब ये डिक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज कैसे हो सकती है, कि सपोज जो है वो पहले 10 बंदे एक्स डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे थे, ठीक है, अब 5 बंदे एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो बताओ कितनी फोर्स होगी। तो आप सिंपली क्या कर दोगे, 10 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे और बोलोगे 5 न्यूटन फोर्स होगी एक्स डायरेक्शन में, तो वो ये रही 5 न्यूटन। आपने क्या किया, आपने डिवाइड कर दिया 10 को 2 से, क्यों, क्योंकि 10 बंदे 10 न्यूटन लगा रहे थे, तो 5 बंदे उसके आधा हाफ न्यूटन वो फोर्स कम हो जाएगी, तो वो 5 न्यूटन फोर्स लगाएंगे, सही है। तो हम किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं रियल नंबर से। तो बात याद रखने वाली क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद रियल नंबर डज नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये बात आपने याद रखनी, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सही है। डायरेक्शन चेंज नहीं करती, तो वो क्या चेंज करती है, ओनली मैग्नीट्यूड इज चेंज्ड, मैग्नीट्यूड इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, सही है। डिवीजन ऑफ वेक्टर, हम रियल नंबर से वेक्टर को मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड भी असल में मल्टीप्लाई ही करना है एक तरह से, आप देखो तो डिवाइड का मतलब भी मल्टीप्लाई ही कर रहे हो। जैसे देखो यहाँ पे हमने 10 न्यूटन फोर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 0.5 से, तब भी क्या आएगा, 5 न्यूटन ही तो आएगा। तो यहाँ पर भी आपने मल्टीप्लाई ही किया है, लेकिन आप ऐसे लिखते हो तो हम उसको डिवीजन बोलते हैं, यस ऐसे लिखते हैं तो इसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो डिवीजन कुछ नहीं है, डिवीजन भी असल में मल्टीप्लिकेशन ही है। तो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ रियल नंबर। इसके अलावा हम वेक्टर को स्केलर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई वेक्टर विद अ स्केलर। ये तो आपको पहले से ही पता है, लेक्चर 1 में ही मैंने बताया था कैसे, जैसे मैं मास को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ एक्सेलरेशन से, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर है। इसी तरह इसको जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स बन जाता है। इसी तरह आप जो है वो वेलोसिटी वेक्टर, ये कब आप इसको निकालते हो, जब आप डिस्प्लेसमेंट को डिवाइडेड बाय टाइम करते हो तो आपके पास क्या आता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो हम ये डिस्प्लेसमेंट क्या है,
वेक्टर है और टाइम क्या है, स्केलर है। तो आप किसी स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, किसी रियल नंबर से भी वेक्टर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।